केकेआर वर्सेस सीएसके, तो कल अगर सीएसके नहीं जीती ना तो बर्बाद कर देगी पंटर को, फोर श्योर रहेगा, क्योंकि बैक टू बैक दो मैच हार के आ रही है और यहां पे सारे पंटर को लगेगा कि ये मैच तो सीएसके जीतेगी ही जीतेगी, कैसे हार सकती है। लेकिन ये नहीं दिमाग में चलता है पंटर का कि जो टीम एक विनिंग ट्रैक पे है, बैक टू बैक मैचेस जीत के आ रही है केकेआर, तो उसके पास विनिंग मोमेंटम है, और एक टीम जिसका मतलब हार रही है लगातार में, तो कुछ ना कुछ इसमें खामी होगी, उसके बैट्समैन किक ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, बॉलर्स नहीं अवेलेबल है, तो क्या हो सकता है इस मैच में, क्या फिर से सीएसके जीतेगी या आ जाएगी फिर से हारने के ट्रैक पे लगातार में, जानेंगे मेरे भाई। पहले तो ये जान लीजिए कि सीएसके यहां पर 42% ही विन प्रोबेबिलिटी या मार्केट फेवरेट के हिसाब से बोला जा रहा है कि यह मैच जीत सकती है, और होम ग्राउंड कब आपने देखा कि जहां होम ग्राउंड का मैच है सीएसके का एमएच चिदंबरम में, वहां पे केकेआर फेवरेट उतरेगी इस मैच को जीतने के लिए। रेट अभी बोला जाए तो 94-95 सीएसके के पास है, मतलब वो कंफ्यूज रेट बोल दीजिए, वो 97 बोथ लगा हुआ है। मैच स्टार्ट होते होते हो सकता है कि केकेआर ही फेवरेट घुस जाए यहां पर, यह भी पॉसिबिलिटी पूरी पूरी है। तो क्यों, क्या रीजन है? रीजन है इनका बैटिंग डोमिनेशन, ऊपर से नीचे आप देख लीजिए तो कहीं से कोई बैट्समैन ऐसा नहीं लग रहा कि फॉर्म नहीं है उनके पास। यहाँ पे सुनील नारायण का जो खेला गया था क्या बोल सकते हैं एक सट्टा, वो भी एकदम काम कर रहा है, बहुत अच्छे से कर रहा है, बैटिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और नीचे के बैट्समैन सब फॉर्म में, वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर से लेके सब, रिंकू सिंह, यहाँ पे आंद्रे रसल, सब परफॉर्म कर रहे हैं, बॉलिंग भी इनका किक ऑफ कर ही चुका है। तो क्या सीएसके यहाँ पे इनका खुद का फॉर्म जो ठीक नहीं है, नीचे इनका अगर बात किया जाए तो अजिंक्य रहाणे भी स्लो ही खेल रहे हैं, और सरफेस अगर बोला जाए एमएच चिदंबरम का तो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा रहता है, हाई स्कोरिंग वेन्यू है, स्टार्टिंग में चेज भी होता है, 200 भी लग जाए तो घबराइए नहीं क्योंकि बैटिंग है सबके पास, ठीक है, बाद में जाके वो स्लो सरफेस हो जाएगा, स्पिनर डोमिनेशन हो जाएगा, तो स्पिनर किसके पास कमी है? कमी तो इन्हीं के, इनके पास भी नहीं दिख रहा है, सुनील नारायण से लेके वरुण चक्रवर्ती, सुरेश शर्मा सब भरा हुआ है, इनके पास बुलाया तो रविंद्र जडेजा एक अच्छे स्पिनर है, मोइन अली है, और सेंटर का यूज नहीं कर रहा, तो दोनों टीम अगर स्पिनिंग ट्रैक मिल गई तो इक्वली प्लेस हो जाएगी, अच्छा मैच हो जाएगा, फील्ड यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा कौन सी टीम जीतेगी हारेगी समझने में। बाकी बात करें तो मैच शानदार होगा, ये पंटर फ्रेंडली होगा, यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, 50 पैसे इधर से 50 पैसे वाला मैच होने वाला है फोर श्योर, क्योंकि दो स्ट्रांग टीम भिड़ने वाली है, तो इतना आप करके निकल सकते हैं, एक लिमिट आप कहीं भी आपका नहीं जा रहा अर्न कर लीजिएगा। बाकी अगर बात करें कौन सी टीम जीतेगी तो वीडियो को पूरा देखिए, सेशंस कैसे खेलेंगे इस मैच में, A to Z बात किया जाएगा, सारा डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, एक ही मैच है कल 7:30 बजे वाला ये। अब देखिए यहाँ पे राठौर प्रिडिक्शन 07 पे जाके सबसे पहले तो ज्वाइन हो जाइए जो लोग ज्वाइन नहीं है, क्योंकि सेशन आता है, मैच आता है, हर दिन आता है 2 से 3 सेशन और आएगा ही आएगा। बाकी मोबाइल नंबर देखिए 7428525767, कोई भी डाउट हो मैच और सेशन से रिलेटेड इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 6204025293 कॉल करके पूछ सकते हैं, और इसको भी स्कैन करिए, ज्वाइन हो जाइए, फायदा उठाइए सेशन का, नेक्स्ट लेवल काम चल रहा है अपना सेशन में और मैच में भी। यहाँ पे देखिए आप तो राठौर प्रिडिक्शन 07 नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं, हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहता है, क्यों नहीं ज्वाइन होना, फायदा उठाना है मेरे भाई यहाँ मैच और सेशंस का फ्री में, लॉस में तो लॉस रिकवर करवा के देंगे, काम ही इतना अच्छा चल रहा है। बाकी यहाँ पे 31 डिग्री का टेम्परेचर है, चांसेस ऑफ रेन निगेटिव, ह्यूमिडिटी हाई है, तो ये वेन्यू हो सकता है जहाँ पे ड्यू कल प्रिवेल करते हुए देखने को मिलेगा, और सेकेंड बैट को पूरा एडवांटेज यहाँ पे मिल सकता है। तो अगर ड्यू का रीजन होने वाला है, और चिदंबरम में होता ही है ड्यू, बहुत ज्यादा कोस्टल एरियाज में मैच होते हैं तो ड्यू प्रिवेल करता ही करता है, हल्का भी आ जाए तो कोई भी टीम यहाँ पे टॉस जीत के सेकंड बैट चेज करना पसंद करेगी यहाँ पे, याद रखिएगा। बाकी बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया सरफेस है, अभी हाई स्कोरिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह का बैटिंग है अगर केकेआर का सीएसके फर्स्ट बैट पे आती है और नहीं मारती 180-90 से ऊपर तो यहाँ पे फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि बॉलिंग उतना अच्छा नहीं है कि डिफेंड करा पाएगी केकेआर के बैटिंग के सामने, सीएसके को दिक्कत झेलना पड़ जाएगा, उनका बैटिंग खुद कोप अप नहीं कर पा रहा है। रचिन रविंद्रा थोड़ा सा 2 मैच अच्छा खेले, फिर 2 मैच से उधर ही स्लो हो गए, उसके बाद यहाँ पे अजिंक्य रहाणे का वही हाल है, ऋतुराज एकवर जो ओपन होना चाहिए, अच्छा पार्टनरशिप बनना चाहिए, वो नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे सीएसके बैकफुट पे आ जा रही है, और रविंद्र जडेजा को जब फिनिश करना है तो वहाँ पे टेस्ट खेलने लग रहे हैं, उनसे अच्छा तो महेंद्र सिंह धोनी आके फिनिश कर जाएंगे, तो ये सब प्रॉब्लम इनके साथ है। डैनियल मिचेल को तो खरीद लिया, अब उनको जब आया था कि थोड़ा सा स्ट्राइक को तेज किया जाए, रन रेट को, वो आके स्लो खेल जाते हैं, तो यही दिक्कत हो गई है इस टीम के साथ अभी। सो 32 में टोटल मैच हुआ है, 70 बार फर्स्ट बैट, 60 बार सेकंड बैट, 2 मैच टाई है, 160 का एवरेज फर्स्ट बैटिंग स्कोर है, 246 हाईएस्ट है सीएसके का, और आरसीबी का 70-10 है। अब देखिए 150 से नीचे 50 बार लगा है, तो ये वेन्यू पहले स्टार्टिंग में अच्छा रहता है, बाद में एवरेज टोटल की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और ये टारगेट भी डिपेंड होता है, स्पिनर यहाँ पे डोमिनेट करने लगते हैं,
152-169 40 बार लगा, 170-189 20 बार और अबव 190 22 बार ही लगा है। लास्ट तीन मैच देखिए तो 206 का टारगेट सीएसके यहां खड़ा की तो 143 पे ही रोक दी। ठीक है, दो विकेट स्पिन फास्टेस्ट, तीन विकेट पेसर्स, आठ में से आठ विकेट पेसर्स को मिला सेकेंड इनिंग में। 173 का टारगेट यहां पे देखिए सीएसके चेस कर गई, पांच विकेट पेसर्स, जीरो विकेट स्पिनर्स, चार में से तीन विकेट पेसर्स, एक विकेट स्पिनर्स। अब यहां पे देखिए 217, ये पहला मैच यहां पे पिछले साल खेला गया था जिसमें 217 का टारगेट सीएसके खड़ा की थी और एलएसजी ऑलमोस्ट क्लोज आके हारी थी। ठीक है, लेकिन रेट ला दी थी 80 पैसा, फिर भी फेवरेट चली गई थी एक बार एलएसजी। चार विकेट पेसर्स, तीन विकेट स्पिनर्स, दो विकेट पेसर्स, पांच विकेट। इस वेन्यू पे लग रहा है इस वाले मैच में कि स्पिनर्स डोमिनेट किए थे। वही बात है, अगर थोड़ा सा भी ड्राई सरफेस दिख रहा है आपको, ग्रास नहीं है वहां पे, तो बहुत अच्छा स्पिनर्स वहां पे कारगर हो सकता है। और एक चीज ये भी रहेगा कि फ्लैट डेक होगा, वो फ्लैट डेक होगा, लेकिन थोड़ा सा भी अगर वहां पे क्रैक्स अवेलेबल है तो बाद में जाके स्पिनर्स डोमिनेट कर जाएगा। ठीक है, 24 विकेट पेसर्स को, 12 विकेट स्पिनर्स को है, तो यहाँ पे आप पेसर्स को भी अभी फिलहाल मान के चलिए क्योंकि नया सरफेस है, एक ही मैच हुआ है अभी, ज्यादा मैच हुआ नहीं तो सरफेस एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है कि इतना ज्यादा जल्दी लो स्कोरिंग 160-165 वाला चल जाएगा। अच्छा वेन्यू मान ही के चलिए आप, वहाँ पे 180 का मिनिमम टारगेट रिक्वायरमेंट होगा फर्स्ट बैट करने वाली टीम को। 31 बार हेड टू हेड में 19 सीएसके, 11 केकेआर, 1 नो रिजल्ट, तो सीएसके का डोमिनेशन है मेरे भाई। 10 मैच चेन्नई में देखिए सीएसके 7 जीती और 3 ही केकेआर को जीतने दी, तो होम ग्राउंड एडवांटेज सीएसके पूरा पूरा लेती है। ठीक है, अब इधर देखिए इंडिया में 25 मैच हुआ है, 16 सीएसके, 9 केकेआर जीती है, तो यहाँ पे भी डोमिनेशन देखने को मिल रहा है। लास्ट 5 में से देखिए 3 मैच सीएसके, 2 केकेआर जीती है, तो ओवरऑल केकेआर का डोमिनेशन नहीं है सीएसके के ऊपर। सीएसके हमेशा से हर फील्ड में डोमिनेट करते देखने को मिल रही है। लास्ट 2 मैच इनका लॉस हो गया, उससे पहले विन है, विन है, विन है, और डिफेंडिंग चैंपियन है इनका। देखिए ये साल तीनों मैच विन करके आ रहे हैं, लॉस है फिर विन है, तो ये बात किया जाए लास्ट 3 मैच का दोनों का, तो ये अनडिफिटेड है, ये 2 मैच हार के आ रही है सीएसके, तो ये एक इनका थोड़ा सा डाउनफॉल की तरफ दिखता हुआ लग रहा है। टीम कंपैरिजन किया जाए दोनों को तो 10-10 मैच उठाइए, विन परसेंटेज देखिए 70% का है, 2 मैच हार गए नहीं तो और ज़्यादा होता। अभी 170 दी एवरेज फर्स्ट बैटिंग स्कोर है, 223 हाईएस्ट और 170 यहाँ पे लोएस्ट स्कोर है। केकेआर का भी 10 में से 70% का विन पे, तो मतलब इक्वली प्लेस्ड है दोनों ही टीम। 186 एवरेज फर्स्ट बैट, तो इनका बैटिंग डोमिनेशन दिख रहा है, ये क्लियर है। 272 इनका हाईएस्ट और 147 इनका लोएस्ट है, जो इसी साल इन्होंने मारा है। अब देखिए इस वेन्यू पे बात कर ले तो दोनों ही टीम 10-10 मैच खेली, तो लास्ट 10 मैच का उठाया जाए तो ये अपने होम डेन पे बहुत डोमिनेट करती है। 70% का विन परसेंटेज, मतलब बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है सीएसके का एट देयर होम ग्राउंड। और एवरेज देखिए 173 का है, तो इतना मारना ही पड़ेगा, उतना मार सकती है, तो सेशन इस हिसाब से यस कर सकते, इससे नीचे मिले तो यस कर लीजिएगा, वर्स्ट सिचुएशन में भी इतना लग जाएगा। 217 और 138, देखिए इनका बहुत खराब है, वेन्यू पे आते ही 40% का विन परसेंटेज रेशियो हो जा रहा है। 160 का एवरेज है और ये 202 हाईएस्ट है, 108 यहाँ पे लोएस्ट है। ठीक है, तो बैटिंग भी उतना अच्छा यहाँ पे नहीं आ पा रही है, थोड़ा सा स्लो सरफेस मिलेगा तो फिर स्ट्रगल होगा ही बैट्समैन को यहाँ पर। देखिए सेशन टीम से बात, फर्स्ट इनिंग में 6 ओवर 51 रन दिखे, यस कर लीजिए, 82, 125 और 170 इतना लग जाता है, ये लास्ट 10 इनिंग का निकाल के दे रहा हूँ ऑन एन एवरेज, तो एवरेज अगर इतना लग रहा है तो इस हिसाब से सेशन यस कर सकते, इससे नीचे मिल जाए तो एकदम ध्यान से। सेकेंड इनिंग में 55, 79, 120 और 163 है, तो ध्यान दीजिएगा इस हिसाब से सेशन के लिए, तो कभी लॉस में नहीं जाइएगा। प्लेइंग रैंक का बात करें सीएसके के तरफ से, तो ऋतुराज गायकवाड़, रचिन रविंद्रा, दोनों में से एक तो बिल्कुल फॉर्म में नहीं, एक थोड़ा सा फॉर्म में है, स्टार्टिंग में फॉर्म दिखाया, इनका भी वैसा ही है, स्पिनर्स को ठीक नहीं खेल पाते हैं और फास्टर को थोड़ा ठीक खेलते हैं, मोइन अली तो हटाई के चलिए बैटिंग से एकदम। डैनियल मिचेल का भी वही है, स्लो स्टार्ट कर रहे हैं, शिवम दुबे एक बहुत जबरदस्त फॉर्म में, रविंद्र जडेजा बॉलिंग ठीक कर रहा है, एमएस धोनी फिनिश कर सकते हैं, दीपक चहर बॉलिंग ठीक कर रहे हैं, तुषार देशपांडे ठीक बॉलिंग कर रहे हैं, तीक्षणा, अब देखने को बनता है कि दोनों प्लेयर अवेलेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुस्तफिजुर रहमान, और लास्ट मैच में जो नहीं खेल पाए वो है मथीसा पथिराना। ठीक है, नहीं तो यही टीम फिर कैरी फॉरवर्ड होने वाली है। फिलिप सॉल्ट, सुनील नारायण, वेंकटेश श्रेयस, रिंकू सिंह, अंग्रेश रघुवंशी, आंद्रे रसल, रमनदीप सिंह, मिचेल स्टार्क, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और वैभव वरुण, ए टू जेड प्लेयर यहाँ पे तगड़ा फॉर्म में दिख रहा है, इसलिए ये टीम परफॉर्म कर रही है। तो क्या केकेआर आरआर के जैसा अनडिफीटेड टॉप ऑफ द टेबल पे मौजूद रहेगी, देखने को बनेगा। 26, 1, 46, 15, 10 यही रीजन है लास्ट 2 मैच में इनका आउट ऑफ फॉर्म होने का, तो इनको फॉर्म में आना बहुत जरूरी है। अब 35, 45, 12, 27, 13 तो जब विकेट गिर जा रहा है तो इन पे आ जा रहा है रेस्पॉन्सिबिलिटी, और ठीक ठाक स्लो खेल खाल के यहाँ पे ये पहुँच जाते हैं।
लेकिन अब तेज खेलने की जरूरत है, और जहां बड़ा रन नहीं सीएसके खड़ा करेगा केकेआर जैसी टीम के सामने, तो कहां से फिर वो डिफेंड करा पाएगा। 12-2, 46, 37, 68 तो इनको पिक कर लीजिए, ये फॉर्म में दिख रहे थे। ये लास्ट दो मैच इनका थोड़ा सा लो रह गया, बाकी दो मैच उससे पहले देखिए तो जबरदस्त फॉर्म में थे। 13-34, 24, 22, 72 बॉलिंग नहीं कराया गया दो मैच में, 1-0-1। रविंदर जडेजा का बात किया जाए मेरे भाई, तो 31-21-7, 25-15, 0-1, 0-0-1 जो है इनसे बॉलिंग से आप एक्सपेक्ट करिए, और बॉलिंग इनका उतना अच्छा हो नहीं रहा, फिनिशिंग इनसे हो नहीं पा रही है। टेस्ट खेल के आए हैं उसी रूप में दिख रहे हैं, तो इनको जल्द से जल्द बॉलिंग बढ़िया करना पड़ेगा। 1-37, 0-1-5 फिनिश कर लेंगे इनको कोई भी पीछे हो, मतलब यहाँ पे दिख रहे हैं, आपने टच देखा है इसका इस साल 3-12-23, 6-0 बैटिंग देखिए थ्रू आउट पूरे साल ऐसे ही रहा है, 2-2, 0-0-0 अगर स्पिन को मदद है तो ये खेलेंगे और बढ़िया बॉलिंग कर लेंगे, ठीक है। 1-0-2, 1-2 दीपक चहर स्टार्टिंग में स्विंग निकाल ही लेते हैं कैसे ना कैसे, और विकेट मिल जाता है इनको। उस दिन ट्रेविस हेड का विकेट चला जाता तो मजा आ जाता फिर। 0-0-2, 0-1 देखिए इनका पिटाने का आदत है, सेशन में सनियस करा के देगा एकदम, ठीक है। 45-18, 51-34, 48 बेस्ट ऑप्शन है कैप्टन के लिए, एकदम पिक कर लीजिए हेड टू हेड में। 1-0-1-0-1 ठीक है। यहाँ पे महेश दीक्षाना ठीक बॉलिंग कर रहा है, बाकी इधर फिलिप सॉल्ट 18-30, 54-30, 26 फॉर्म में है ये भी, 18-39, 0-53, 8 इनको हटाइए कुछ उस तरह का फॉर्म दिख नहीं रहा है। 5-50, 7-35, 29, 0 DNV 0-0 ये अच्छे फॉर्म में बैट से, बाकी 54-14, 26-24, 13 अब देखते हैं इनका बैटिंग आता है कि नहीं आता, क्योंकि इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे आए थे, अब देखने को बनेगा कि सेकंड बैट पे आते तो कहाँ खिलाया जाएगा इनको। 26-5-23, 69-9 ये फिनिश कर सकते हैं जबरदस्त फॉर्म में। 41-64, 27-2, 14 देखिए लास्ट तीन मैच तीनों में परफॉर्म किया बैट से, इतना जल्दी मारा है। 1-2-0-2, 1-2-2, 4-5-6 विकेट भी है कैप्टन के लिए, जबरदस्त ऑप्शन है, बेस्ट लग रहे हैं हेड टू हेड में। 2-35, 22-42, 1 ये फिनिश कर सकता है, बाकी यहाँ पे देखिए 85-47, 2-5-0, 1-1-1-0-0 लास्ट तीन मैच में देखिए बैट से कंट्रीब्यूट दो मैच में और हर मैच में विकेट है, तो बहुत सेफ ऑप्शन है, आप पिक कर सकते हैं। जितना इनको लो आंका जाता है कि बैटिंग में आके आउट हो जाएंगे उतना ही ये परफॉर्म बढ़िया कर देते हैं। 2-0-0-0-1 तो लास्ट मैच में एक विकेट निकल गया तो अब बोल रहा है सब कि फॉर्म में आ गया, लेकिन उस तरह का कोई बॉलिंग नहीं किया था, मिल गया विकेट क्योंकि हाई स्कोर का प्रेशर था। 3-0-1-1-2 ये बॉलिंग ठीक कर ले रहा है अब, बाकी 2-3-1-0-0 ये फास्ट बॉलिंग में इनके साथ जाइए, और स्पिन डिपार्टमेंट में सुनील नारायण को पिक करिए, ये भी पिटा सकता है, मिचेल स्टार्क भी पिटाएंगे, बाकी ड्रीम इलेवन टीम आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिलिप सॉल्ट के साथ अगर बात करें तो अजिंक्य रहाणे, श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे, रजिन रविंद्रा, ऋतुराज गायकवाड़, रविंद्र जडेजा, सुनील नारायण, आंद्रे रसल, मोइन अली और मिचेल स्टार्क। तो कैप्टन के लिए बात कर ले हेड टू हेड में, तो आंद्रे रसल कैप्टन और वाइस कैप्टन इनको बना सकते हैं, दोनों ही जबरदस्त फॉर्म में, बहुत बैटिंग बॉल से कंट्रीब्यूट करके दे सकता है। बाकी अगर लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट में तो ये भी एक अच्छे ऑप्शन है, बैटिंग कर रहे हैं बॉलिंग भी कराएगी लास्ट मैच में, शिवम दुबे के साथ भी आप जा सकते हैं। बाकी ड्रीम इलेवन की अपडेटेड टीम अकॉर्डिंग टू द प्लेइंग इलेवन नीचे डाल दी जाती है, टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाके ज्वाइन हो जाइए, और राठौर प्रेडिक्शन 07 पे मैच सेशन खेलना है तो इस पर कॉन्टैक्ट करिए, 7-4-2-8-5-2-5-7-6-7 पे कॉन्टैक्ट करिए, व्हाट्सएप के लिए 6-2-0-4-0-2-5-2-9-3 पे कॉन्टैक्ट करिए कॉलिंग कर लिए के लिए। चलिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, गुड नाइट।